सातवां प्रश्न, इसमें दो पार्ट हैं। ऐसा हम अगर इसको टी मानते हैं तो डीएक्स आएगा केवल, ये पार्ट नहीं आएगा, इसको मानते हैं तो ये नहीं आएगा। अब इसमें हमें एडजस्टमेंट करना है जिससे कि सरल हो जाए थोड़ा सा। हम अगर इसको टी माने पूरे को तो अंडर रूट में तो टी आएगा, डीएक्स भी आ जाएगा, लेकिन फिर इसको टी के रूप में रखना होगा क्योंकि एक समाकलन में दो वेरिएबल एक साथ नहीं हो सकते, एक में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि सिंगल समाकलन है, डबल इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो आई बराबर हम ले लेते हैं एक्स अंडर रूट एक्स प्लस टू, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे टी मानेंगे। ऐसा ना करें कि इसमें गुणा करें और फिर गड़बड़ हो जाएगा, हम इसको टी ही मानते हैं। यहाँ पर भी लिखेंगे माना x प्लस टू बराबर टी, और इसका मतलब ये हुआ डी एक्स बराबर डी टी। लेकिन टी में कन्वर्ट हम कर सकते हैं, x बराबर क्या आएगा, टी माइनस टू, तो x की जगह हम टी माइनस टू रखेंगे, तो यहाँ पर i आएगा टी माइनस टू और टी की पावर एक बटे दो, अब गुणा हमारा हो जाएगा क्योंकि एक बटे दो में समस्या थी, इसमें समस्या नहीं है। गुणा करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर तीन बटे दो आएगा, गुणा करेंगे तो टी की पावर वन प्लस एक बटे दो यानी तीन बटे दो माइनस टू टी की पावर एक बटे दो ही आएगा और डी टी। अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो टी की पावर पांच बटे दो यानी तीन बटे दो प्लस वन पाँच बटे दो होगा, बटे पाँच बटे दो माइनस टू टी की पावर एक बटे दो प्लस वन यानी तीन बटे दो और उतना ही बटे में आएगा ऐसे प्लस सी, यानी आई बराबर आना चाहिए दो बटे पाँच। टी का मान रखेंगे, टी का मान यहाँ से है एक्स प्लस दो की पावर तीन बटे दो माइनस दो दूनी चार बटे तीन और फिर से तीन बटे दो और प्लस सी। दिस इज आवर आंसर।